देवास गेट स्थित शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय का दौरा उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया, साथ ही महाविद्यालय को दो शिफ्टों में लगाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास गेट स्थित शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय का दौरा किया। मंत्री यादव के साथ उज्जैन उत्तर के भाजपा विधायक पारस जैन व जिला कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद रहे। यहां प्राचार्य के कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। दरअसल महाविद्यालय की बिल्डिंग काफी पुरानी व जर्जर स्थिति में है। यही कारण है कि बारिश के समय यहां पानी टपकता है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा मंत्री ने प्राचार्य से महाविद्यालय संबंधित समस्याएं जानी। वहीं बिल्डिंग की जर्जर स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय दो शिफ्टों में लगाने की बात कही। इसके साथ ही जीर्णोद्धार का कार्य उच्च गुणवत्ता का करने के निर्देश भी दिए। महाविद्यालय का नया भवन बनाने पर भी विचार किया गया। महाविद्यालय में सफाई मजदूर रखने के लिए कलेक्टर से स्वीकृति प्रदान करने की प्राचार्य ने मांग की। किराए से लेना ही पड़ेगा अगर कुछ है ना।